नमस्कार दोस्तों, मैं करदम रावल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं यूपीएससी आईएएस एग्जाम में। और आज इस छोटे से वीडियो के अंदर हम देखेंगे इमरजेंसीज इन इंडिया। तो भारत के अंदर जो इमरजेंसी है वो तीन तरीके की इमरजेंसी हमने अब तक देखी है। तो तीन तरीके की इमरजेंसी के अंदर अगर हम बात करें तो पहले तो है आर्टिकल 352 अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसका नाम है नेशनल इमरजेंसी अंडर 352। इसके अंदर दो वेराइटी की इमरजेंसी होती है, जैसे कि इंटरनल इमरजेंसी और एक्सटर्नल इमरजेंसी। तो इंटरनल इमरजेंसी को पहले जिस तरीके से हम डिफाइन करते थे उस डेफिनेशन के अंदर अगर हम देखें तो कुछ लूप होल्स थे। उस लूप होल्स का कई लोगों ने बहुत सारा फायदा उठाया और बाद में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया 1978 के अंदर, वहां पर उसके अंदर इंटरनल इमरजेंसी लगाने के जो प्रावधान दिए गए थे उस प्रावधान के अंदर चेंज लाए गए। और उस चेंजेस के बाद जो है नेशनल इमरजेंसी जो है वो पूरे नेशन के अंदर भी लगाई जा सकती है और कुछ पार्ट और टेरिटरी की रीजन के अंदर भी लगाई जा सकती है। और उस इमरजेंसी को भी अप्रूवल की जरूरत होती है। ज्यादातर भारत के अंदर इमरजेंसी की घोषणा करते हैं भारत के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इन्हीं के पास ये ज्यादातर अधिकार है। तो भाई नेशनल इमरजेंसी के बारे में थोड़ी और डिस्कशन कर लेते हैं। नेशनल इमरजेंसी जो 352 के तहत लगती है उसके अंदर और एक मसला है जो है एक्सटर्नल इमरजेंसी। अगर नेशन को किसी बाहर के राष्ट्र से या देश से खतरा है तो अगर हम एक्सटर्नल इमरजेंसी लगाते हैं तो इसका मतलब यह है कि दूसरे नेशन के साथ हमारा जो खतरा है उसके तहत हमने ये 352 के तहत इमरजेंसी लगाई है। और नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं कि अगर कोई आम रिबेलियस एक्टिविटी नेशन के अंदर देखी जाती है तब लगाई जाती है। जैसे कि अफगानिस्तान का सिनारियो अगर आप देख लो या फिर सीरिया का सिनारियो देख लो, अगर इस तरीके के सिनारियो हमारे यहाँ पर रिबेलियस ग्रुप अगर विथ आर्म्स यहाँ पर गवर्नमेंट के विरोध के अंदर कुछ एक्टिविटीज करने लगे तो नेशनल इमरजेंसी लग सकती है और पूरे इंडिया के अंदर भी लग सकती है और कुछ स्पेशल टेरिटरी के पोर्शन के अंदर भी, कुछ रीजन कुछ स्टेट के अंदर भी लगाई जा सकती है। फिर बात करते हैं स्टेट इमरजेंसी अंडर 356। अगर किसी स्टेट के अंदर ऐसी कोई परिस्थितियां जनरेट हो जाती है इलेक्शन के दौरान या फिर कोई ऐसा मसला खड़ा हो जाता है तो वहां पर जो है स्टेट इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लगाई जा सकती है। और एक तीसरी तरीके की इमरजेंसी है जो भारत के इतिहास में कभी लगाई नहीं गई, वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360, जिसका मतलब है कि नेशन के पास फाइनेंशियल बहुत ही ज्यादा पैसे की किल्लत है और इस इमरजेंसी अब तक लगी नहीं है। लेकिन अगर ऐसी इमरजेंसी हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट को लगानी भी है तो यहाँ पर पार्लियामेंट का 2 महीने के अंदर अप्रूवल आना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर जो है गोल्ड असेट्स ऑफ इंडिया को फॉरेन क्रेडिट को प्राप्त करने के लिए कोलेटरल के तौर के ऊपर रखा जा सकता है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी के केस के अंदर प्रेसिडेंट जो है सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरी घटा सकते हैं, सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की सैलरी घटा सकते हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के जज हो या फिर उनका स्टाफ हो या फिर हाई कोर्ट का स्टाफ हो, सभी की सैलरी यहां पर कटाई जा सकती है, क्योंकि इकोनॉमिक मेजर्स को ध्यान में रखते हुए ये करना बेहद जरूरी है। और यहां पर जो है फंडामेंटल राइट को सस्पेंड नहीं किया जाता। तो हमने जो इसके अलावा की जो दो इमरजेंसी देखी, 352 वाला आर्टिकल और 356 वाला आर्टिकल, यहां पर बहुत सारे ऐसे फंडामेंटल राइट्स है जिसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को इसके साथ तराजा भी जाता है। तो इसके अंदर आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 को समझना बेहद जरूरी है। तो इसके बाद हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से आर्टिकल्स जो है वो एग्जिस्ट करेंगे, कौन से आर्टिकल्स जो है एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो इसी के साथ देख लेते हैं तीन ऐसे किस्से जहां पर जो है हमने देखे थे स्टेट ऑफ इमरजेंसीज इन इंडिया। तो बिटवीन 26 अक्टूबर 1962 टू 10th जनवरी 1968 हमने इंडिया चाइना वॉर देखी और इसी के दौरान द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को ध्यान में रखते हुए थ्रेटन्ड बाय एक्सटर्नल एग्रेशन हमने यहां पर पहली दफा इमरजेंसी लगाई थी। उसके बाद का जो सिनारियो है वो है 3 दिसंबर 1971 से 21 मार्च 1977 के टाइम फ्रेम के अंदर। ये इमरजेंसी जो है भारत के इतिहास के अंदर बहुत ही ज्यादा खतरनाक इमरजेंसी देखने को मिली थी और यहां पर कई बुक्स भी लिखी गई है जो पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को डिफाइन करती है, इंडिया पाकिस्तान वॉर एंड लेटर एक्सटेंडेड अलोंग विद थर्ड प्रोक्लेमेशन। तो यहाँ पर द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और थ्रेटन्ड बाय एक्सटर्नल एग्रेशन को ध्यान में रखते हुए ये इमरजेंसी लगाई गई। इसके बाद की है 15 जून 1975 से 21 मार्च 1977 वाली। तो ये सेकंड वाली जो हमने डिस्कस की इसी के टाइम फ्रेम के बीच में और एक इमरजेंसी आ जाती है जहां पर इंटरनल डिस्टर्बेंस देखने को मिला भारत के अंदर और इंदिरा गांधी के प्राइम मिनिस्टरशिप के दौरान द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को ध्यान में रखते हुए ये वाली जो इमरजेंसी थी 1975 टू 1977 जो हमने इंटरनल
नेशनल सिक्योरिटी के ध्यान में रखते हुए और इंडिया के अंदर से ही रिबेलियस एक्टिविटीज देखने को मिली, तो इस दौरान का जो समय था ये काफी दिलचस्प समय था। और इसी के ऊपर इमरजेंसी बाय इंदिरा गांधी हमारी चैनल के ऊपर आपके लिए वीडियो भी अवेलेबल है, तो वो वीडियो जो है वो जरूर से देखिएगा, इसके अंदर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इस वीडियो के अंदर इतना ही, और अगर आपको वीडियो कंटेंट और एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करिएगा, कमेंट के अंदर अपने सुझाव जरूर से दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल से मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।